स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण पहनने की अगर सुंदरता लगती है तो वो कान में ही लगती है। कभी तुमने सुना 16 संस्कार में एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार। कौन सा? कर्ण छेदन, कान को छेदा जाता है। क्यों छेदा जाता है, किस लिए, क्या जरूरत पड़ गई इस कानों को छेदने की, क्या जरूरत पड़ गई इन कानों में पिन लगाने की, क्या जरूरत पड़ गई इन कानों को छेद करने की? एक लड़की की शादी करने से पहले उसके कानों को छेद दिया जाता है। बाल्यावस्था में कन्या को, बेटी को कानों में छेद दिया जाता है, कानों में छेद। एक कानों में छिद्र, दूसरा जम के बोलो जरा, नाक पर छिद्र। दोनों बड़ी मर्यादा के हैं। कर्ण छिद्र, बेटी को विवाह करने से पहले जब बेटी कुंवारी रहती है, कन्या रहती है, छोटी रहती है, उसके कानों को छेद दिया जाता है। पुरुष उसके भी कानों को छेदा जाता है। कर्ण छेदन का महत्व क्या कहता है? अच्छा मिले उसको अंदर उतार लो। कोई अगर तुम्हारी बुराई कर दे, अपशब्द कह दे, तो कानों में जो छेद हैं, ये दो छेदों का महत्व बड़ा प्रबल है। एक छेद अच्छाई को लेने के लिए है, दूसरा छेद जिसमें कुंडल डाले हैं, ये छेद जब कोई बुरा बोले तो उस छेद में से बाहर निकालने के लिए है, ये अंदर प्रवेश के लिए नहीं। कानों के दो छेद, एक जो तुमने कान छेदन करा है, कुंडल पहने हो, उससे अपनी बुराई को, अपने को कोई अपशब्द कह दे, ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, अपशब्द कह दे, तुम्हारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपशब्द कहे। हमने पहले भी कथा में वीरगंज की कथा नेपाल से कहा था, भगवान से प्रार्थना करते समय एक प्रार्थना ये भी करना कि मुझे अपनी बुराई सुनने की सहनशीलता देना। इतना जरूर करना भोलेनाथ कि लोग मेरी बुराई करें तो मैं सुन सकूं।